दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, बाकी आप सब समझदार हो, लेट्स रोल इट। ऑलराइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो देखो यार, मैं आप सबकी फीलिंग को जानता हूं, मैं आप सबकी फीलिंग को पहचानता हूं कि आप सभी के अंदर ये है ना क्वेश्चन होता है कि मैं सबसे पहले किसी वेबसाइट के ऊपर कौन सा बग जाकर फाइंड करूं, मैं कौन से बग को थोड़ा सा डिटेल में घुस कर वहां पर ढूंढने की कोशिश करूं, क्या मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करूं, क्या मैं कुछ और करूं। अक्सर हम सब जानते हैं कोई बिगिनर होता है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करता है क्योंकि उसको वो आसान लगता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या करना होता है, बिगिनर के दिमाग में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, स्क्रिप्ट, अलर्ट, स्क्रिप्ट, ये सब जगह लगाकर देखना होता है। ये एक बिगिनर के लिए होता है। अगर उसका लक अच्छा है तो उसको वो मिल जाएगा, अगर लक नहीं अच्छा है तो वो साला पूरा दिन निकाल देगा लेकिन उसको बग नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत बेसिक बग है। तो ऐसे कौन से बग हैं जो आप लोगों को एक नवी नवेली दुल्हन, माई बैड, एक नवी नवेली वेबसाइट या फिर कोई नया प्रोग्राम लॉन्च होता है इंटीग्रिटी हैकर वन बग क्राउड पर, उस वेबसाइट के ऊपर आप लोग सबसे पहले फाइंड क्या करोगे, क्या आपको करना चाहिए? तो मैं आपको आज एक ऐसी वल्नरेबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूं, मैं आपको एक ऐसे बग के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद एक बिगिनर को जल्दी समझ में आ भी जाता है, बिगिनर के लिए वो थोड़ा सा इजी भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी बग है और थोड़ा इजी भी बग है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो मैं मिलता हूं आपको इंट्रो के बाद। वेलकम टू स्पिन दैट, दिस इज द साइबर सील और ये वीडियो है इमेज फाइल अपलोड के बारे में। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप लोग बग क्राउड हैकर वन इंटीग्रिटी पे अपना अकाउंट बनाकर बैठे हुए हो, समझ में भैया कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं कौन सी वेबसाइट को उठाऊं, कौन से प्रोग्राम को उठाऊं, या फिर मान लो आपने कोई भी रैंडमली किसी वेबसाइट को उठा लिया, तो अब आप लोग वहां पर कौन सा बग फाइंड करोगे? तो मैं आपको जो अभी सिखाने वाला हूं इमेज फाइल अपलोड, वो आप कर सकते हो। लेकिन भैया ये करना कहाँ है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पे ले जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। एडमिशन को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को पूरा फॉर्म फिलअप करना होता है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं। तो वहां पर आपके लिए एक अलग सेक्शन दिया होता है जहां पर आप लोगों को आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट को अपलोड करना होता है। और 10th की 12th की मार्कशीट को अपलोड करने के लिए आप फोटो खींचोगे, वो फोटो का एक्सटेंशन हो सकता है जेपीईजी, पीएनजी, एसवीजी, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को वही अपलोड करना है क्योंकि वहां पर वही वैलिड है। आपको एक इमेज अपलोड करने के लिए एक पैरामीटर दिया हुआ है, उस पैरामीटर के अंदर आप पीएनजी, जेपीईजी, ये जो एक्सटेंशन होते हैं इमेज के लिए, वही अपलोड कर सकते हो। तो भैया यहां पर हम लोग उस फाइल अपलोड के पैरामीटर में, उस इमेज अपलोड के पैरामीटर में हम लोग हमारा खुद का बनाया हुआ इमेज, एक इमेज जिसके अंदर हमारा जो कोड है वो छुपा हुआ है, वो इमेज अपलोड करेंगे जो सीधा सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाके इफेक्ट करेगा और सर्वर पे इफेक्ट करने के बाद वो वहां पर एक्सप्लोइट हो जाएगा। तो ये एक बग है, ये पूरा इसका जो प्रोसेस है वो ये है। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा बग मिलता है तो इसका मतलब है कि वो सीधा सर्वर को इफेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब ये होगा कि ये जो बग है वो थोड़ा सा सीवियर बग होगा, थोड़ा क्रिटिकल बग होगा, तो आप लोगों को इसकी बाउंड्री भी ज्यादा मिलेगी, तो इसको सीखना तो बनता है। तो चलो यार, फिर हम फिर से चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप लोगों को हमारा पोर्ट स्पीकर का लैब दिख रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ एक्सप्लोइटिंग एक्सएक्सी वाया फाइल इमेज फाइल अपलोड। तो एक्सएक्सी क्या होता है? एक्सएक्सी एक वल्नरेबिलिटी का नाम है। ये क्या है क्या नहीं है वो एक बिगिनर के लिए अभी बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप समझ में आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सएमएल से जुड़ा हुआ है, XML क्या होता है वो भी नहीं पता, गूगल सर्च कर लो। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या बोला हुआ, दिस लैब लेट्स यूजर अटैच अवतार्स टू कमेंट। तो यहां पर मैं बेसिकली समझाता हूं शॉर्ट में, यहां पर आप लोगों को, यहां पर एक लैब है जहां पर ब्लॉग है, ठीक है? ब्लॉग के अंदर एक पोस्ट है, उस पोस्ट के अंदर आप लोगों को कमेंट करना है और कमेंट करते समय वहां पर आपको एक अवतार यानी कि प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का पैरामीटर दिया हुआ है। उस पैरामीटर में आप लोगों को आपका पेलोड इंसर्ट करना है, पेलोड इंसर्ट करने के बाद आप लोग उसको एक्सप्लोइट करोगे और ये आपका लैब सॉल्व हो जाएगा। तो पेलोड बनाते कैसे, यहां पर मैं आपको बताता हूं, कोई भी वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को ट्राई करना है कि कहां से कैसे कर रहे हैं। देखो इसको करने के काफी अलग अलग तरीके होते हैं जो मैं आपको एडवांस वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक वीडियो है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं पेलोड बनाते कैसे हैं। अब पेलोड बनाने के लिए आप लोगों को एसवीजी का फॉर्मेट पता होना चाहिए। मैं सॉल्यूशन में आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, इस तरीके का एसवीजी का फॉर्मेट होता है, इसको एक बार कॉपी कर लो, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने डेस्कटॉप पे चलता हूं, एक नया मैंने नोटपैड का न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहां पर ओपन कर लिया। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर उस कोड को पहले पेस्ट करता हूं। तो हमारा जो एसवीजी फाइल होता है, एसवीजी फाइल क्या होता है नहीं पता है, गूगल सर्च कर लेना। तो एसवीजी फाइल को जब आप करोगे ना, कोई भी एसवीजी फाइल डाउनलोड करो इंटरनेट से और उसको ओपन विथ नोटपैड करो, तो आपको इस तरीके का दिया हो जाएगा, ठीक है? यहां पर सारी उसकी विड्थ लिखी होगी, हाइट लिखी होगी और इस तरीके से एसवीजी का जो फॉर्मेट है वो नोटपैड में इस तरीके का दिखेगा। और ये जब हम सेव करते हैं डॉट एसवीजी से तो एक इमेज बन जाता है ये।
अभी मैं करूंगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखो, इस कोड के अंदर आप लोगों को ये XML पे काम करा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन यहां पर इस कोड के साथ साथ हम लोग एक चीज इंजेक्ट कर रहे हैं जो है हमारा, इसको कह लो आप पाथ ट्रैवल्सल, SSRF कुछ भी कह सकते हो, ये कोई भी बग कह सकते हो। यहां पर आप प्रोसेस स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। यहां पर आप SQL इंजेक्शन भी कर सकते हो। अगर आप SVG फोटो के अंदर, उसके कोड के अंदर आप अपना पेलोड लगा देते हो, कोई भी पेलोड, आप SQL इंजेक्शन कर रहे हो उसका पेलोड, प्रोसेस स्क्रिप्टिंग कर रहे हो उसका पेलोड। यहां पर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं पाथ ट्रैवल्सल या फिर SSRF, जो भी आपको मानना है मान लो। तो मैंने क्या किया, उसको यहां पर इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा नॉर्मल SVG की तरह काम करेगा। और मैं आपको यहां पर इसको सेव करके दिखाता हूं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। ये कंट्रोल एस करने के बाद यहां पर सेव हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक्सटेंशन चेंज कर दूंगा। एक्सटेंशन चेंज करने के लिए मैं .txt को कर दूंगा .svg। ठीक है, तो ये हो चुका है .svg और मैं यहां पर करता हूं इसको एंटर। तो ये .svg में कन्वर्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये .svg हो चुका है, ये इमेज फाइल है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो लैब लिया है उस लैब में जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये लैब इस तरीके का ओपन होगा, आप लोगों के सामने इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी ब्लॉग की। व्यू पोस्ट करना है, व्यू पोस्ट करने के बाद आप लोगों को यहां पर दिखाया जाएगा कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपको यहां पर एक दिखेगा ब्राउज। तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सारी चीजें भर देते हैं। सब्सक्राइब करो, ये हमारी कमेंट है, कर लेना यार क्या जाता है। यहां पर फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फर्स्ट नेम है, कर लेना इंस्टाग्राम पे भी। कहां पर करना है, @spinthehack। और मुझे पर्सनली जानना चाहते हो तो @thecyberzeal। काफी कुछ मटेरियल मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ईमेल एड्रेस में हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि टेलीग्राम लिंक इन बायो @gmail.com। वेबसाइट में हम दे देते हैं टेलीग्राम पर VIP मेंबर ग्रुप ज्वाइन करो .com। ठीक है, यहां पर हमारा प्रमोशन भी हो चुका है। तो यहां पर हम लोग ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में जाके जो हमने यहां पर सिलेक्ट करना है वो है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .svg। ये हमने कर लिया। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूँ, ये रेट दिखा रहा है तो मैं इसको कर लेता हूँ इस तरीके से। आई गेस ये काम करेगा, छोड़ो यार एडवर्टाइजमेंट काम नहीं करने वाली। पोस्ट कमेंट देखते हैं, माई बैड फॉर दिस हॉर्न। ठीक है, पीछे बज रहा है क्योंकि मेरी लोकेशन अलग है। तो हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया, बैक टू ब्लॉक करते हैं। बैक टू ब्लॉक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कमेंट कहीं पर होगी, ये रही फॉलो एंड सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पर ये जो इमेज फाइल है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉपी इमेज लोकेशन, और मैं यहाँ पर करूंगा V। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो हमने, मैं आपको क्या बताऊं, अब यहाँ पर जो हम नोटपैड को ओपन करते हैं, एक मिनट, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन विथ नोटपैड करता हूं, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं हम फाइल etc होस्ट नेम। तो हमने होस्ट नेम मांगा था, तो आपको यहां पर इसका होस्ट नेम देखने को मिल गया। ये होस्ट का नाम है जो आपको देखने को मिला। क्या आपको ऐसा कोड कहीं पर देखने को मिला है, कि ऐसा कोड आपको यहां पर हमने नोटपैड के अंदर जो फाइल बनाई उसके अंदर क्या आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? देखो ध्यान से देखो, ऐसा कुछ है यहां पर नहीं है। तो ये क्या, ये सर्वर से रिस्पांस आया और यहां पर ये हो चुका है। सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ था, देखो हमने पोस्ट कमेंट किया, वहां पर हमने इमेज फाइल में ये अपलोड किया। अब व्हेन यू व्यू और कमेंट यू शुड सी द कंटेंट ऑफ इट इज होस्ट फाइल। तो हमको यहां पर होस्ट फाइल का जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा, जो हमको यहां पर देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है फाइल अपलोड। यहां पर आप कोई भी चीज कर सकते हो। यहां पर आप लोग इसके अंदर नॉर्मली, यहां पर आप लोग स्क्रिप्ट टैग भी लगा सकते हो। यहां पर आप लोग अगर करना चाहते हो SSRF वो भी कर सकते हो। अगर SQL इंजेक्शन जब मैं सिखाऊंगा वो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इस तरीके से आप यहां पर लैब को सॉल्व करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपका लैब सॉल्व होगा। इस तरीके से आपको करना है फाइल इन योर इमेज। तो हमने ये कर लिया, अब हमको क्या करना है, सबमिट सॉल्यूशन। तो पता नहीं कहां पर क्या लिखा हुआ है, ये रहा, ओके सबमिट सॉल्यूशन करेंगे और हम यहां पर इसका आंसर डालेंगे CA456 C858 C858 BF5 ओके करेंगे और हम देखेंगे हमारा लैब सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप SVG फाइल अपलोड करते हो। अब मैं आपको एक बॉबसूट के अंदर एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना। इंटरसेप्ट ऑन करता हूं, इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद मैं यहां पर एक बार कमेंट फिर से करूंगा, ये सारी कमेंट करूंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यहां पर एक बार इंटरसेप्ट को कर लेता हूं, ऑन तो कर लिया हमने। इसको मैं अपलोड करूंगा ईमेल, ये होगा तो ठीक है। पोस्ट कमेंट करते हैं ईमेल, ठीक है @gmail.com, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दिया। यहाँ पर बर्क लोकल कर लेते हैं हम, ताकि हमारा लोकल है तो ये यहाँ पर इंटरसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं है। अब मैं करता हूँ यहाँ पर पोस्ट कमेंट,
ओके, तो यहां पर ये इंटरसेप्ट हो चुका है। और अब यहां पर देख सकते हो, मैं यहां पर जूम तो नहीं कर सकता, आई गेस देख लेते हैं। ठीक है, मैंने मैग्नीफायर अपना ऑन किया नहीं है, हो चुका है। चलो अब देखो, अब यहां पर देखो आप लोग, ये हमने जो SVG फाइल अपलोड की है, तो SVG फाइल के अंदर ये चीज जा रही है। देखो ध्यान से देखो, ये सर्वर के ऊपर जा रही है, सर्वर के ऊपर जा रही है, तो सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। हम यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, लेट्स यहां पर ट्राई करते हैं, मान लेते हैं अगर होगा तो ट्राई होगा, पासवर्ड को ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, देखते हैं अगर होगा तो होगा। ठीक है, अब मैं इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेता हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंटरसेप्ट को ऑन करके बॉबसूट के अंदर देखा कि कैसे ये काम कर रहा है। मैं आपको हर बार रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को ऑलवेज बॉबसूट ही यूज करना चाहिए, सारे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना चाहिए, वो इसके लिए करना चाहिए। हम देख लेते हैं हमने जो कमेंट किया था वो है क्या। देखो यहाँ पर कुछ तो हुआ है, कॉपी, देखो ये कुछ नहीं था, ये मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और मैंने खुद किया, तो आप लोग भी कर सकते हो इस तरीके से। ओके, देखो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ETC पासवर्ड का जो फाइल डायरेक्टरी वो हमको देखने को मिला। तो इस तरीके से हमारा जो इमेज अपलोड है वो काम करता है। इसको करने के काफी सारे अलग अलग तरीके होते हैं, इसको आप काफी सारे अलग अलग चीजों से कर सकते हो, जो मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस में बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप इसका एडवांस लेवल भी सीख सको। और काफी सारी और वीडियोज हमारे चैनल के ऊपर, उसको भी देखना चाहते हो उसको भी देख सकते हो। तो ये वीडियो के लिए हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तो एक कमेंट लाइक करके जाना, मुझे अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।